नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल सभी जानकारी में बहुत ही बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों जैसे आप मैंने दो वीडियो पहले भी डाल दिया है शॉर्ट वीडियो, तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो है एक अरब सागर में जो है सिस्टम बनने वाला है, तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी दिशा में जाएगा, कौन कौन से राज्य के ऊपर जो है प्रभाव इसका रहेगा। तो दोस्तों वैसे भी बना तो है नहीं, परंतु जैसे 5 से और 7 से 8 जून के बीच में ये एक लो प्रेशर बन जाएगा, उसके बाद में एक डिप्रेशन और डिप्रेशन बन जाएगा। दोस्तों इसका ट्रैक जो है अभी इतना ज़्यादा सटीक तो नहीं दिखा रहा है, कभी महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, कभी गुजरात की तरफ और कभी पाकिस्तान कराची की तरफ जा रहा है बता रहा है। तो देखिए यह 6 जून को ये एक लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो जाएगा महाराष्ट्र के तट के आसपास, और फिर इसके बाद में आगे बढ़ेगा और जो है ये गुजरात की तरफ दिखाई दे रहा है इसका रूट ट्रैक, और इसके बाद में बहुत ही जल्द जो है 8 और 9 जून को एक यानी कि तूफान बनने की संभावना इसकी बन रही है, और ये काफ़ी शक्तिशाली जो है तूफान बनेगा, क्योंकि इसका जो है ये आसपास की जो है नमी है और ये लगातार समुद्र के अंदर ही घूम रहा है, अगर तट के ऊपर आसपास होता तो इसका जो है कमज़ोर होने की संभावना हो जाती, परंतु ये जो है एक प्रकार से समुद्री तूफान जो सीजन का फैला अरब सागर में बनेगा, अरब सागर में अभी तक नहीं बनाता। तो ये देखिए इस प्रकार से यानी कि 9 से 10 से और 11 जून के बीच में एक समुद्री तूफान बन जाएगा, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर देख सकते हो ये बम्बई के आसपास और महाराष्ट्र के तट के आसपास से दिखाई दे रहा है, परंतु दोस्तों महाराष्ट्र को इतना ज़्यादा खतरा इसका भी दिखाई नहीं दे रहा है, खतरा या तो पाकिस्तान या अहमदाबाद यानी कि गुजरात तरफ दिखाई दे रहा है, और एक गुजरात की तरफ जाएगा तो दोस्तों राजस्थान राजस्थान के ऊपर भी इसका जो है प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जिस भी दिशा में जाएगा इसकी चपेट में जो भी राज्य जिले आएंगे उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार और गरज चमक के साथ में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों गुजरात और राजस्थान की तरफ दिखाई जा रहा है फिलहाल अभी इसका ट्रैक, और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप जो सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।